संत की दृष्टि और असंत की दृष्टि में अंतर क्या है? असंत को कोई संत नहीं दिखता, ध्यान से सुने, असंत को कोई संत नहीं दिखता और संत को कोई दुष्ट ही नहीं दिखता, उसको असंत ही नहीं दिखता, उसको तो सब संत ही दिखाई पड़ते हैं। संत असंत में अंतर क्या है, इसकी परीक्षा करने एक बार देवर्षि नारद जी धरती पर आए। ऋषि पूछ रहे थे कि संत असंत की परिभाषा बताओ, नारद जी बोले भी तमाशा दिखाता हूं। तो नारद जी पधारे, ऋषि भी साथ में थे, युधिष्ठिर के पास आए इंद्रप्रस्थ में। युधिष्ठिर जी ने चरण धोया, बड़ा आदर किया, पूजन किया नारद जी का, ऋषियों का, भगवान कैसे आपने कृपा की है। बोले एक काम बताने तुमको आए हैं, थोड़ी देर में हम आएंगे, थोड़े दिनों बाद हम आएंगे, आपको दुष्टों की लिस्ट तैयार करनी है, सूची। आप दुष्टों की सूची बनाओ, दुष्ट पुरुषों की सूची बनाओ, ये काम आपको देने आए। जो आ गया तुरंत नारद जी ऋषियों के साथ हस्तिनापुर गए। दुर्योधन ने भी बड़ा स्वागत सत्कार किया। नारद जी बोले राजन एक कार्य विशेष से हम आए हैं, आप तो युवराज हैं, एक कार्य विशेष से आए हैं। कहा कहिए। बोले हमारे एक बहुत जरूरी काम है, तुम संतों की सूची तैयार करके हमको दो। ठीक है महाराज। कुछ समय बाद नारद जी पहले युधिष्ठिर के पास आए, कहो लिस्ट तैयार हुई। युधिष्ठिर जी रोने लगे, बोले अपने को छोड़ के हमें सब संत दिखाई पड़ते हैं, हमको लगता है बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोए, जो दिल खोजा आपना मुझसे बुरा न कोए। तो अब आपकी आज्ञा का पालन तो करना ही है, और तो कोई दुष्ट असाधु असज्जन हमें दिखता नहीं, हम आपके सामने हैं, हमारा नाम आप चाहो तो लिख लो। नारद जी प्रसन्न हो गए, हृदय से लगा, बोले ठीक है हमारी सेवा हो गई पूरी, हमको उत्तर मिल गया। अब गए हस्तिनापुर, उनसे पूछा संत की लिस्ट, संतों की लिस्ट तैयार हुई। दुर्योधन बड़ी जोर से ठहाका लगा कि हंसा, अरे महाराज आप काम ही ऐसा दे गए थे कि जिसका समाधान होना बड़ा कठिन था। मैंने तो पूरे संसार में नजर दौड़ा ली, हमको संत तो कोई दिखता ही नहीं, कोई संत नहीं। नारद जी ने कहा नारायण नारायण नारायण, तुम्हारे अपने बड़े भाई युधिष्ठिर कितने संत हैं। अरे महाराज कैसे आदमी का नाम ले दिया वो, अरे नाम ही मत लो। नारद जी ने ऋषियों के कहा कि बस यही संत असंत की पहचान है। जो विशुद्ध संत होते हैं वे तो वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभा, वो तो सारी सृष्टि को ही भगवद रूप देखते हैं, उसमें कोई उत्तम अधम होता नहीं, ऊंचा नीचा होता नहीं, सबको परमात्मा के रूप में देखते हैं। तो गुणातीत पुरुष की वृत्ति अनुसूया वृत्ति हो जाती, उसको किसी में दोष दिखता ही नहीं। गुणों में दोष के आविष्कार का नाम है असूया, और किसी में दोष जो न देखे वो है अनुसूया। गुणातीत पुरुष कभी किसी का दोष दर्शन नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें तो भगवान ही दिखाई पड़ते हैं, गुण दोष कहां से दिखाई पड़ेगा।